हाउ टू लर्न थ्री फिंगर इन फ्री फायर। गाइज इस वीडियो पे आप लोगों ने क्लिक किया क्योंकि आप लोगों को जानना है कि आप भी कैसे थ्री फिंगर पे शिफ्ट हो सकते हो। You are right, bro. So guys, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल इजिली टू से थ्री फिंगर पे शिफ्ट हो सकते हो। अगर जो आप पहले आप टू फिंगर पे खेलते थे तो आप थ्री फिंगर पे बिल्कुल इजिली शिफ्ट कर पाओगे। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद थ्री फिंगर पे तो शिफ्ट हो ही जाओगे, बट लास्ट मैंने आपके एक ऐसे मिस्टेक के बारे में बताया है, अगर उस मिस्टेक को आप लोग ठीक नहीं करते तो आप हजारों कस्टम एचयूडी भी बदल लो बट आप थ्री फिंगर पे शिफ्ट नहीं कर पाओगे। बट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से 95% लोग वो गलती करते होंगे जिस गलती के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आज वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। बट गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात पूछना चाहूंगा कि आप लोग थ्री फिंगर पे शिफ्ट हुए क्यों थे, आपका एक्चुअल रीजन क्या था थ्री फिंगर पे शिफ्ट होने का। गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि आप लोग किस लिए थ्री फिंगर पे शिफ्ट हुए थे, या तो आपका फास्ट ग्लू वॉल नहीं लग रहा होगा, या फिर आपका फास्ट मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, या फिर आपके वन टैप नहीं लग रहे होंगे। आप में से जो भी बंदे इस सब गलतियों को अपने ध्यान में रखते हुए अपना गेम प्ले इंप्रूव करने के लिए थ्री फिंगर पे शिफ्ट हुए हो, बट आप में से 80% बंदे ऐसे होंगे जिनको तो पता ही नहीं होगा कि वो थ्री फिंगर पे शिफ्ट हुए क्यों, वो बस अपने फ्रेंड्स का या फिर किसी यूट्यूबर का कस्टम एचयूडी देखकर वो शिफ्ट हुए होंगे। अब आए ना लाइन पे। सो गाइस जो लोग भी किसी और का देखकर अपना कस्टम एचयूडी सेट किए हैं और वो नहीं खेल पा रहे थ्री फिंगर, तो आज की इस वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए ही है। और अगर आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग थ्री फिंगर बिल्कुल परफेक्टली खेलने लग जाओगे। इनफैक्ट आज के बाद आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हाउ टू लर्न थ्री फिंगर क्लॉ। तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारा लाइक गेम है 80 लाइक्स का, आई होप आप लोग कंप्लीट करा दोगे। और अगर हमारे चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना कि ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो भाई लोग थ्री फिंगर प्लेयर बनने से पहले आप लोग के सामने तीन रास्ते होते हैं, आप लोग को इस तीन रास्ते में से किसी एक रास्ते पे चलना होता है। आपको अगर फ्री स्टाइल प्लेयर बनना है तो आप लोग फ्री स्टाइल प्लेयर बन सकते हो। दूसरा रास्ता है हमारा सोलो वर्सेस स्क्वाड प्लेयर बनना या फिर रैंक प्लेयर बनना, तो आप लोग उस रास्ते पे भी चल सकते हो। और थर्ड रास्ता हम लोग का है स्नाइपरिस्ट, अगर आपको स्नाइपर अच्छे से चलाना है तो आप उस रास्ते को चूज कर सकते हो। और गाइज मैं आज के इस वीडियो में आपको लास्ट बताऊंगा कि कौन कौन से बेस्ट कस्टम एचओडी है एक स्नाइपर चलाने के लिए, एक सोलो वर्सेस स्क्वाड प्लेयर बनने के लिए और एक फ्री स्टाइल प्लेयर बनने के लिए। सो गाइज हमारा फर्स्ट टिप तो यही है कि हाउ टू सेट योर कस्टम एचओडी, जो कि मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट बताऊंगा कि आप अपना कस्टम एचओडी कैसे सेट कर सकते हो एक स्नाइपरिस्ट के लिए, एक फास्टेस्ट प्लेयर के लिए और एक बेस्ट रैंक प्लेयर के लिए। सो गाइस सेकंड टिप बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि काफी सारे प्लेयर्स का ये कंप्लेंट रहता है कि हमारा वन टैप नहीं लगता, हमारा वन टैप नहीं लगता, और सारे लेजेंड्स का इतना ओपी वन टैप कैसे लग जाता है, वो पूरे पूरे स्क्वाड को वन टैप से ही कैसे खत्म कर देते हैं। सो गाइस उनका एक सीक्रेट होता है जो कि आपको कोई भी नहीं बताता, वो सीक्रेट मैं आज की इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं। तो वो सीक्रेट होता है हमारा बेस्ट यूज ऑफ क्विक वेपन स्विच। सो गाइस बिलीव मी, अगर आपको क्विक वेपन स्विच का यूज करना आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से तो आप 50% तो हैकर बन ही जाओगे। क्या मतलब आप लोग को 100% हैकर बनना है, उसके लिए तो आपको फिर ये चाहिए। गाइज मजाक से हट के अगर आपको क्विक वेपन स्विच का बिल्कुल अच्छे से यूज करना आ गया तो आप बिल्कुल हैकर की तरह हेडशॉट मारने लग जाओगे। आप लोग तभी इसका अच्छे से यूज कर पाओगे जब आप लोग को पता होगा कि इसको किस जगह रखना है अपने कस्टम एचयूडी में। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बता देता हूँ, इसको आपको बिल्कुल ऊपर रखना है, जिसको आप अपने थर्ड फिंगर से प्रेस करोगे उससे आपका बिल्कुल हैकर की तरह हेडशॉट लगने लग जाएगा। आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा बेस्ट यूज ऑफ क्विक वेपन स्विच का, बट अभी चलते हैं हमारे ट्रिक नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड ट्रिक बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि काफी सारे बंदों का यही प्रॉब्लम होता है कि उनको अपना कस्टम एचयूडी याद ही नहीं रहता, मतलब वो सोचते हैं कि हम अपने थ्री फिंगर पे क्या रखे थे बट उसका जब यूज होता है तो वो उसको यूज ही नहीं कर पाते। तो टेंशन मत लो, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जो अपने थर्ड फिंगर पे बटन रखे हो तो उसकी ओपेसिटी आपको बिल्कुल 100 कर देना है और आपके कस्टम एचयूडी में और सारे जो बटन है उनकी ओपेसिटी 0 कर देना है। आप में से काफी सारे बंदे पूछेंगे भाई इससे क्या फायदा होगा, ओपेसिटी को 100 करने से हमारा गेम प्ले कैसे इंप्रूव हो सकता है।
गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सो गाइस, इसका आंसर ये कि आपके माइंड को लगेगा कि इस बटन की ओपेसिटी 100 है, तो इसको मुझे क्लिक करना है, तो इसलिए आपको धीरे धीरे कर वो बटन याद हो जाएगा कि आप उसको थर्ड फिंगर पे रखे हो, फिर आपका वो कभी भी मिस नहीं होगा। अब गाइस, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि थ्री फिंगर खेलने के एडवांटेजेस क्या क्या है। खुशी गाइज, मैं इसका एडवांटेज आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। आप सपोज करो कि एक खेत में दो किसान हैं, तो उनको काम करने में दो दिन लगता है, तो तीन किसान अगर आ गए तो उस काम को करने में कितना देर लगेगा? चले तू। गाइज, आई होप आप लोगों को पता होगा कि उस काम को करने में कितना देर लगेगा। तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है, उस किस्म का सवाल कर मुझसे। तो भाई छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ, उस काम को करने के लिए एक दिन से भी ज्यादा कम का टाइम लगेगा, अगर दो के जगह तीन लोग आगे काम करने लगे तो। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो गाइस, इसी से आप लोग समझ जाओ कि थ्री फिंगर का एडवांटेज कितना ज्यादा है। जिस काम को आप लोग अभी तक टू फिंगर से कर रहे थे, उस काम को अब आप लोग थ्री फिंगर से करोगे, तो समझ जाओ आपका स्पीड क्या नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। गाइस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी पहले टू फिंगर बिल्कुल नॉर्मल प्लेयर हुआ करता था, पर जब से मैंने थ्री फिंगर पे शिफ्ट करा तो मेरी मूवमेंट स्पीड, मेरी एक्यूरेसी और मेरा ओवरऑल गेम प्ले इतना नेक्स्ट लेवल का हो गया है कि मुझे गेम प्ले करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सो गाइस, यही था सारा टिप्स, जिसको फॉलो कर आप भी थ्री फिंगर में शिफ्ट हो सकते हो और अपना गेम प्ले बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का कर सकते हो। बट कई सारे बंदों का अभी भी एक क्वेश्चन है कि भाई हमें कस्टम एचयूडी कहां से मिलेगा बेस्ट थ्री फिंगर का, उसको आप लोग मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। बट इस वीडियो में भी मैं आपको तीन ऐसे कस्टम एचयूडी बता दूंगा जिसपे आप लोग बिल्कुल इजिली शिफ्ट हो सकते हो। सो गाइस, अगर आप लोग बेस्ट थ्री फिंगर कस्टम एचयूडी ढूंढ रहे हो एक फ्री स्टाइल प्लेयर बनने के लिए, तो मैं आप लोग को डब्ल्यू जिंक का कस्टम एचयूडी सजेस्ट करना चाहूंगा। बट उनका कस्टम एचयूडी मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा सकता हूं, तो आप इस कस्टम एचयूडी पे शिफ्ट होकर अपना फ्री स्टाइल का गेम प्ले बिल्कुल गॉड लेवल का कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं रैंक वाले प्लेयर्स के बारे में। अगर आप लोग एक सोलो वर्सेस स्क्वाड प्लेयर बनना चाहते हो, या फिर रैंक प्लेयर बनना चाहते हो, या ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो, तो आप इस कस्टम एचयूडी को ट्राई कर सकते हो। इस कस्टम एचयूडी पे आपका गेम प्ले बिल्कुल गॉड लेवल का हो जाएगा और आप पूरे स्क्वाड को भी टैकल कर सकते हो सिर्फ अपने मूवमेंट के साथ। अब फ्री स्टाइल प्लेयर्स, रैंक प्लेयर्स के बारे में तो बात कर लिया हमने, अब बात कर लेते हैं स्नाइपरिस्ट प्लेयर के बारे में, जो स्नाइपर चलाते हैं, तो उनके लिए आप इस कस्टम एचयूडी को यूज कर सकते हो। ये हमारे पहाड़ी भाई का भी कस्टम एचयूडी रह चुका है पहले। आप इस पे स्नाइपर बिल्कुल जहर, बिल्कुल गॉड लेवल का चला सकते हो और आप सामने वाले एनिमीज को बिल्कुल आसानी से डिफीट कर सकते हो। सो गाइस, यहां तक तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया कि आप लोगों को क्या क्या करना है, बट अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप लोग उस चीज को करते हो तो आप थ्री फिंगर पे शिफ्ट कभी भी नहीं हो पाओगे। बेसिकली मैं आपके मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स को करते हो जब आप थ्री फिंगर पे शिफ्ट होते हो। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मिस्टेक कभी भी नहीं करना है। इस मिस्टेक्स को 99% लोग करते हैं थ्री फिंगर में शिफ्ट होने के बाद, और इस मिस्टेक को करने के बाद वो डीमोटिवेट होकर टू फिंगर पे आ जाते हैं फिर से। सो गाइस, वो मिस्टेक है हमारा, आपको कभी भी किसी से कस्टम नहीं खेलना है जब आप थ्री फिंगर में नए नए शिफ्ट हुए हो तब, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड से तो बिल्कुल भी नहीं खेलना है। अगर आप लोग उससे हार जाते हो तो वो काफी ज्यादा आपका इंसल्ट करता है, काफी ज्यादा आपका मजाक उड़ाता है, जिससे आप डीमोटिवेट होकर टू फिंगर में फिर से आ जाते हो। बट गाइस, अगर आप लोग थ्री फिंगर में शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो आप लोग जरूर से हो जाओ। ये एक दिन में तो नहीं होने वाला, पर एक दिन जरूर हो जाएगा। क्या मतलब इतने मोटिवेट हो गए कि आप जा रहे हो ट्रेनिंग खेलने? अरे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है 80 लाइक्स का। और अगर तुम थ्री फिंगर पे शिफ्ट हो गए तो कमेंट में यस लिख देना, और अगर तुम नहीं शिफ्ट होना चाहते तो कमेंट में नो लिख देना। और अगर तुम्हें बेस्ट थ्री फिंगर का कस्टम एचयूडी चाहिए तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर लो, और अगर तुम्हारा हेड नहीं लग रहा तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर लो।